आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष बाद कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद अब लोकसभा के चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता संगठन को मजबूत करने अब क्षेत्रीय स्तर पर पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटे हुए हैं ताकि लोकसभा चुनाव के 11 सीटों पर भी जीत हासिल की जा सके। जिला बलौदा बाजार के बिलईगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के सचिव श्री हरनाम सिंह विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा भीमराव अंबेडकर की छायाचित्र की पूजा अर्चना की, जिसके बाद पुलवामा में हुए आतंकी हमला में शहीद हुए वीर जवानों की शहादत में आत्मा की शांति प्रदान के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर राष्ट्रगान शुरू किया गया। वहीं कार्यक्रम को हरनाम सिंह संबोधित करते हुए कहा कि इतनी बड़ी जीत के बाद अब सबको अपनी जोश और ताकत बरकरार रखना है ताकि आगे हम हल्के न पड़ जाएं। जांजगीर लोकसभा सीट में हमारी पार्टी लगातार हार का सामना करते आ रही है। इस बार हमारी पार्टी की सरकार है और लोकसभा चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम दूसरे पार्टी की बात करें तो भाजपा पार्टी और बसपा पार्टी की गठबंधन भी बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। वही इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की अंतर कलह भी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान बिलेगढ़ ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष नेमी चंद केसरवानी ने अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर सभा के बीच में ही तू मैं करते नजर आए। हालांकि मीडिया की मौजूदगी को देखते हुए पार्टी के वरिष्ठों ने ब्लॉक अध्यक्ष को समझा बुझा कर शांत कराया। वहीं मीडिया की टीम नाराजगी के कारण जानना चाहा तो नेमी चंद केसरवानी ने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े दिग्गज नेता कार्यकर्ता और विधायकगण मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम जो है, हम लोकसभा के चुनाव में जो कमर कस रहे हैं और समर में कूद रहे हैं, उसमें कार्यकर्ताओं से संवाद था और कार्यकर्ताओं को हमने हाईकमान का संदेश दिया है कि सभी एकजुट होकर पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बनाएगी उसके लिए पूरी शक्ति से जांजगीर में उतरना है और ये लोकसभा सीट जीतनी है। और इसमें हमने तमाम जितने हमारे उम्मीदवार भावी प्रत्याशी हो सकते हैं वो सब एक मंच पर थे और सबने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया है और सबने प्रण भी लिया है आज पार्टी के सब तमाम कार्यकर्ताओं के सामने कि जिसको भी टिकट मिलेगा उसको हम तन मन धन से जिताएंगे। अभी बीच में देखा गया कि एक जो है ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वो सभा से उठ करके जा रहे थे, क्या वजह था? देखिए, यही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उनको कहीं गलत फहमी हुई कि उनका नाम संबोधन नहीं हुआ, जिसमें कि विधायक जी ने और मैंने स्वयं उनका नाम लिया मंच पर और उसके बाद वो बैठ कर हंसी खुशी गए हैं। तो ये एक छोटी मोटी बातें, इतने बड़े 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 शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सर, सामने लोकसभा चुनाव है, ऐसे में अगर पार्टी के जो सदस्य हैं वो उठेंगे तो कहां से उठाएंगे? कोई रूठे नहीं है, कोई मान मनोवल नहीं करनी पड़ी, उनको एक थोड़ी गलत फहमी थी, उस गलत फहमी को तुरंत दूर करके हमने बात रखी और वो दोबारा वापस आकर बैठे और पूरे कार्यक्रम को करके रहे हैं और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ही, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ही हम चुनाव में जाएंगे और भारी बहुमतों से इस सीट को जीतेंगे और 11 लोकसभा भी जीतेंगे। निश्चित तौर पे हमर मन के जो छत्तीसगढ़ में अभी जो 11 लोकसभा है ओकर लिए माननीय राहुल गांधी जी के आदेश हो गए हैं कि पूरा 11 के 11 सीट ला हमन ला जीतना है। और निश्चित तौर पे हमर जो हमन घूमत हन, जैसे हर जगह के दावेदार है, हर सीट में बहुत सारे दावेदार है, सबो जन के एक एक कर्तव्य है कि कांग्रेस पार्टी ला मजबूत करना है और कांग्रेस ला जिताना है। काबर की पिछले 15 साल से यहाँ भाजपा शासन रही से और ओकर मन के सिर्फ एक काम हो, छलावा, भ्रष्टाचार, आप मन सब देखे हो। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में हमार कांग्रेस के सरकार आई, माननीय हमार किसान नेता भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनी, तो सबसे पहली वो किसान मन के कर्जा माफ़ करीस, ओकर मन के धान समर्थन मूल्य के ला बढ़ाई, ऐसने धीरे धीरे बहुत सारे हमार योजना है जेमा छत्तीसगढ़ के ग्राम मन के
किसान मन के सब मन के भला हो जाही, मजदूर मन के भला हो जाही। और निश्चित तौर पे 11 लोकसभा सीट जैसे हमारे माननीय राहुल गांधी जी जब आए रिस रायपुर तो घोषणा करीस कि जैसे ही लोकसभा में हमार सरकार आई, कांग्रेस के सरकार आई, तो सबसे पहली गरीब मजदूर के काम करे जाही और ओकर द्वारा घोषणा करेगी कि प्रत्येक व्यक्ति में न्यूनतम आय के वो घोषणा करी और निश्चित तौर पे वो पूरा होई और सबो जन के भला होई।